अगर कोई पहले से ही सफलता के घोड़े पर सवार हो, मोटा पैसा भी कमा रहा हो और वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आए तो क्या होगा? आइडियल कंडीशन तो यही कहती है कि जज उसको हाथों हाथ लेंगे, ब्लैंक चेक लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, अगर जज भी ऐसा ही सोचते तो फिर शायद हम जज होते। चलिए, स्टोरी का मीटर फिट कर दिया, अब मुद्दे पर आते हैं। YouTube पर तकरीबन 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाले बंदे का पासा एकदम उल्टा पड़ गया। क्यों, क्या, कैसे हुआ, सब कुछ आपको बताते हैं। YouTube पर सुपरहिट लेकिन शार्क टैंक में फ्लॉप। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 एपिसोड नंबर 42, इसमें एंट्री ली अरविंद अरोड़ा ने। बेंगलुरु के अरविंद ने कॉन्कर के नाम से एक ऐप बनाया है। ऐप के अभी तक 9 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अरविंद के मुताबिक उनका ऐप स्किल बेस्ड कोर्स कराता है, मतलब ऐसे कोर्सेज जिनको करके आपको जॉब मिल सके। इसके साथ कई और कोर्सेज भी ऑफर करता है, मसलन रील बनाने में या यूट्यूब पर वीडियो बनाने में मास्टर आप कैसे बन सकते हैं। ऐप पर सर्विस मुफ्त नहीं है, मतलब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ लगाते हैं हम एक अल्पविराम। अरविंद का एक और परिचय है, वो A2 मोटिवेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके तकरीबन 14.5 मिलियन, बोले तो 1.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उनका दावा है कि वो इस चैनल से महीने के 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। कहने का मतलब है कि उनका एक जमा जमाया सेटअप पहले से है। वापस आ जाते हैं शो पर। अरविंद ने अपना आइडिया जजेस से शेयर किया और उसके बाद एक अजीब सी डिमांड सामने रख दी। एक तरफ जहां शो में हर कोई फंडिंग से जुड़ी प्रॉपर डिमांड लेकर आता है, जैसे कितना चाहिए और कितनी हिस्सेदारी पर, वहीं अरविंद ने कहा उनको तो बस शगुन का 1 रुपया चाहिए। अरविंद का ये दाव एकदम उल्टा पड़ गया। उनकी बात खत्म होती उससे पहले पीयूष ने साफ साफ बोल दिया कि वो बाहर हैं क्योंकि आप बात को घुमा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब शार्क टैंक ने एक बार फिर से पूछा तो अरविंद ने इन्वेस्टमेंट के बदले उनकी कंपनी वास्तविक कीमत की 2x हिस्सेदारी ऑफर कर दी। जाहिर सी बात है, जजों को ये बात पसंद नहीं आई। हालांकि उनको 1% हिस्सेदारी के बदले 40 लाख रुपए चाहिए थे। सिंगल डबल के ऑफर से जज अमन भी चिढ़े हुए नजर आए। वैसे सारे जजेस को ऐप का आइडिया और उसको बनाने का कारण खूब पसंद आया। तो शार्क टैंक से अरविंद को क्या मिला? उम्मीद से उलट कुछ भी नहीं। जैसा हमने बताया, जज अरविंद के पिच से प्रभावित नहीं लगे जबकि उनका ऐप मुनाफे में है। शार्क अनुपम ने तो उनको दूसरी कंपनियों जैसे बायजूस से तुलना करने से साफ मना भी कर दिया। उनको साफ साफ कहा कि बात को घुमाइए मत। जब एक ऐप के बारे में अनुपम ने जिक्र किया लेकिन उसके बारे में अरविंद को नहीं पता था। लंबी बातचीत से जज इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। शार्क टैंक से उनको सिर्फ शुभकामनाएं मिली। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सूर्यकांत। मेरा नाम दिव्यांश सुमराव है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।